कहा गया है सुना गया है कोई ना बोले, कहा गया है सुना गया है कोई ना बोले, ज़बादराज़ों को मशवरा है कोई ना बोले। हर एक लब पर सवाल करती खामोशियां हैं, हर एक लब पर सवाल करती खामोशियां हैं, बस एक डर है जो बोलता है कोई ना बोले। अजीब गूंगी हवा चली है कि शहर भर में, अजीब गूंगी हवा चली है कि शहर भर में, जिसे भी मिलता हूँ कह रहा है कोई ना बोले। अस्सलामुअलैकुम, मैं अबरार खान हूँ, नाम निहार और ख़ुद साख्ता यूट्यूबर्स, एंकर्स और व्लॉगर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर देखना बंद करें, इनको लाइक करना बंद करें, इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करना बंद करें। इन लोगों ने बेहिसी की तमाम हदूद पार कर ली हैं। कोई अपनी बीवियों को साथ लेकर व्लॉग्स कर रहा है तो कोई ज़ाती ज़िंदगी लोगों के साथ शेयर कर रहा है, कोई अपनी गाड़ियों की नुमाइश करता दिखाई देता है तो कोई पैसे की लालच में कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई छोटू व्लॉगर के साथ अपनी वीडियोस और सेल्फीज़ बना रहा है तो कोई दौलत कमाने की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स बता रहा है। लेकिन आप इनकी बेहिसी और बेशर्मी की इंतहा देखें कि इनमें से किसी को भी फ़लस्तीन के बारे में बात करने की फ़ुर्सत नहीं, किसी को फ़लस्तीन के बच्चे जो भूख और बमबारी से मर रहे हैं इनका ख्याल नहीं, इनके बारे में आवाज़ उठाना तो दरकिनार, इनके बारे में बात तक नहीं कर सकते। वहाँ जो जुल्म हो रहा है इसको रोका जाए, इनको अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं, और इनकी सारी अयाशियाँ सिर्फ इस वजह से हैं कि आप इनकी वीडियोस वॉच करते हैं, आप इनको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, जिससे इनको एक हैंडसम रकम हासिल होती है, इनको इनकम हासिल होती है और ये अपनी चकाचौंध लाइफ में गुम है। और इनको फ़लस्तीन के मज़लूम बच्चों की बात करने का कोई ख्याल नहीं जो जंग की वजह से, भूख की वजह से और तिब्बी सहूलियात ना मिलने की वजह से मर रहे हैं। इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये फ़लस्तीन के बारे में बात करके अपने ख्यालात करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, मगर ये ऐसा नहीं कर रहे। इनसे तो वो नॉन मुस्लिम्स अच्छे हैं जो फ़लस्तीन की बात करते हैं। पाकिस्तानी साफ़ी और यूट्यूबर हरमीत सिंह फ़लस्तीन की बात करता है, ओस जाबियो टेनिस स्टार ने अपने प्राइस की खतीर रकम फ़लस्तीनी बच्चों के नाम कर दी। आई हैव डिसाइडेड टू डोनेट पार्ट ऑफ माय प्राइस मनी टू हेल्प यू नो द पैलेस्टिनियंस। एंड इसराइली मसनूआत के बायकॉट के साथ आपने इन तमाम नाम निहाद एंकर्स, यूट्यूबर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर का बायकॉट करना है जो फ़लस्तीन के बच्चों को कवर नहीं कर रहे, इनके बारे में बात नहीं करते, इनके लिए आवाज़ नहीं उठाते। मुझे उम्मीद है आप मेरा ये व्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये सारे व्लॉगर्स और यूट्यूबर्स फ़लस्तीन के बच्चों के बारे में बात करें जो कि भूख की वजह से घास खाने पर मजबूर हैं। फ़लस्तीनी अवाम और बच्चों के लिए आप अपनी डोनेशंस, फितराना, ज़कात वगैरह MTJ फाउंडेशन को दे सकते हैं, क्योंकि MTJ फाउंडेशन फ़लस्तीन के लिए काम कर रही है। आज चूँकि ईद उल फितर है इसलिए आज आप फ़लस्तीनियों को ज़रूर याद रखें और अपने सदकात MTJ फाउंडेशन के ज़रिए इनको पहुँचाएँ। मुसीबत की इस घड़ी में आपकी डोनेशंस के सबसे ज़्यादा हकदार फ़लस्तीन के मासूम बच्चे हैं।